नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। आपने सुना होगा कि कई बार जो है जातिवाद के तहत जो है एससी एसटी को जो है अपमान और कई बार जो है मृत्यु के घाट तक उतार दिया जाता था। लेकिन बात हम करें राजपूत की, तो यहाँ पर अब जो है राजपूत ऐसा समाज जिन्हें बहुत ही बाहुबली माना जाता है, उनके साथ ऐसे अत्याचार हो रहा है कि उन्हें अब कहीं ना कहीं जो है कुछ जाति के लोग जो है परेशान कर रहे हैं और उनकी जो है मृत्यु तक हो जा रही है। आप लोग बिहार से आए हैं, क्या हुआ है पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं पंकज सिंह हूँ, मैं फरीदाबाद रहता हूँ, मैं बिहार से ही बिलोंग करता हूँ। दर्द इससे है जो बच्चे को, नया युवा को, अभी से भविष्य में देखा, सपनों में देखा, अपने जिंदगी में देखा, उसको बुला करके नियतों को घर में बंद करके पुलिस प्रशासन के संरक्षण में उसको जान से मार दिया जाता है। जिस तरह जानवर को पीटा जाता है, जानवर को से नहीं पीटा जाता है, जानवर से भी बदतर हाल में उसको डंडे से, लाठी से मार दिया जाता है। क्या कारण क्या है? कुछ कारण कुछ नहीं, जाती है गुंडागर्दी असभ्य करने के लिए। सबसे ऊंची जात तो ठाकुर ब्राह्मण होती थी जी। अब देखिए, मैंने वही है ना, आज आपसे मीडिया, मैं आज आपसे मीडिया वाले से कहना चाह रहा हूँ, आज राजपूत साथ ये घटना घटा है, कोई बड़े बड़े मीडिया वहाँ पे नहीं पहुँचा, कोई राजनेता वहाँ नहीं पहुँचा। अगर आज कोई दूसरा होता, हमें किसी किसी जाति से राज की नहीं है, हमारा किसी जाति से बात नहीं, दूसरा अगर कोई होता आज पूरे मीडिया पूरे नेता आज वहाँ पहुँचा होता, पूरा क्या कहते हैं आंसू बहा रहा होता, इतने लाखों रुपए की मांग कर रहा होता, आज उस परिवार को ना न्याय तो दूर, अभी तक पूरा बंदा अरेस्ट भी नहीं हुआ, दोषी को पकड़ा नहीं गया। कौन जात के वो लोग हैं जिन्होंने किया? यादव जाति के लोग हैं। जी वहाँ के विधायक भी वही है, मुखिया भी वही है, और वहाँ पे जो सरकार भी वही चल रही है, राजद भी, राजद के गुंडों ने 400-500 लोगों ने मिल के, और वहाँ पे मतलब यहाँ पे जो एक जातीय खेल खेला जा रहा है। जी वहाँ हिंसा हो रही है, वहाँ पे बिहार में सिर्फ यही है, वहाँ का मुखिया भी यादव है, वहाँ का दो विधायक भी यादव है, दोनों दिया है जान बुझ के ताकि राजपूत को कमजोर करें। राजपूत कमजोर नहीं है मैडम, आपको मैं मीडिया के माध्यम बताना चाहता हूँ, राजपूत न कभी कमजोर है, न कमजोर था, न कमजोर रहेगा। लेकिन वक्त की बात है, सरकार क्या है, राजपूत का बच्चा तो फ्री में नहीं है, जो कहीं मार दो कोई कुछ बोलेगा नहीं, या यही हाल हो रहा है। आज कोई दूसरा होता पूरे सरकार पूरे प्रशासन वहाँ पहुँच गया होता। आज राहुल गांधी जी का है, उनको कहाँ पहुँच रहे हो, कहाँ उनको पता भी इनको नहीं है। वहाँ के मुखिया के पास नहीं गए क्या? नहीं, मुखिया का सवाल है, मुखिया कोई नहीं आ रहा है ना, मुखिया कोई नहीं आ रहा, आपके बड़े बड़े मीडिया में कोई नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री जी है जी, समझ जाइए, वो तो कहते हैं ना, उनका तो कोई ऐसा नहीं है कि जातिवाद होता है। देखिए, अगर मुख्यमंत्री जी को इस संज्ञान में आया, जैसे नहीं पूरे दिल्ली तक पहुंच गया, मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा होगा, वहाँ पे 144 धारा लागू कर दिया, कोई बंदा वहाँ जा नहीं सकता, वहाँ पे पूरा इंटरनेट मीडिया बंद, क्यों नेट बंद कर दिया, उनको पता है जो हमने गलत किया कहीं ना कहीं सच्चाई बाहर आ जाएगा सरकार के खिलाफ। क्या आप मुख्यमंत्री जी के पास गए? हम तो अभी नहीं गए मैडम, कई लोग मुख्यमंत्री जी के पास गए, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुआ, पूरे लिखा गया, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुआ, जो होना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री, देखिए सरकार हो, किसी जात पात का नहीं होता, जात पात विश्वास मैं भी नहीं करता हूँ, मैं एक नारा देता हूँ, जात पात का भेदभाव इनकार है, आपस में बांटना बेकार है, हम सब भारतवासी हैं, हमें भारत से प्यार है। पहले सुनने में आता था कि एससी कास्ट के साथ ऐसा हो गया है, जी मैं फलाना ने कर दिया, वही एसटी के साथ ऐसे कर दिया। मैं आज मैं वही कहते हैं, अगर शायद ऐसा, हम लोग कभी नहीं चाहते, अगर शायद राजपूत यादव के साथ आज किया होता, आज पूरे बिहार वहाँ सरकार पूरा पहुंचा होता, राहुल गांधी कांग्रेस में उनको भी कह रहा हूँ, सबसे पहले वो पहुंच गए होते, पूरे हिंदुस्तान नेता वहाँ पहुंच गए होते, आज कोई एससी होता पूरे नेता वहाँ पहुंच गए होते। सर, कुछ कारण हुआ होगा तभी तो पिटाई हुआ है। यही तो मतलब कोई कारण नहीं, खत्म हो गया जी, मार दिया आप वीडियो देखेंगे ना, आपका भी फोन खोल जाएगा, वीडियो आप देखेंगे तो आपका भी खोल जाएगा, बनाई गई है। कारण हुआ, किस बात पे विवाद हुआ ऐसा? कभी देखिए, कभी इलेक्शन टाइम में कुछ विवाद हुआ होगा, वो तीनों बच्चों अपना खेत में पानी डलवा रहे थे, गेहूं का खेत में, वो उनका मुर्गी फार्म है, वही छपरा मुबारकपुर गांव है, आपको डिस्ट्रिक्ट छपरा है, मुबारकपुर गांव की घटना है ये, और गेहूं के खेत में उनको कुछ हेल्प करने के लिए मुर्गी फार्म पे बुलाया जाता है, और धोखे में बुला करके धोखे में उनको अंदर में घर में बंद कर दिया जाता है, और वहाँ के एसएचओ यादव जी आए हैं, उन्होंने बच्चे ने गुहार किया मुझे बचाओ,
उन्होंने बोला हम जा रहे हैं, इसके बाद तुम्हें जो भी करना हो तो बच्चों को बताया, कुछ बच्चा बच गया बता रहे। हम लोग पुलिस वाले को जाने के बाद पूरे जानवर से भी बेहतर डंडे से मार मार के बच्चे तड़प रहा है, मार रहा है जानवर से, ऐसे जानवर को भी मारा जाता है जिस तरह से मार रहा है। ये इंसान नहीं, ये शैतान है, उनको तो सामने फांसी देना चाहिए, सरकार को सामने गोली मार देना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि जो मुखिया है, मुख्यमंत्री है वहाँ का, उनके अंडर में आती है, तो पुलिस का क्या रवैया रहा उस समय? पुलिस का रवैया कुछ नहीं रहा, पुलिस वहाँ पुलिस का रवैया सही होता आज ये घटना नहीं घटता मैडम, अगर पुलिस का रवैया सही होता तो ये घटना नहीं घटता। तो अब आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं जो जल्दी से जल्दी दोषी है उनको फांसी हो, उनको अरेस्ट करे, उनको मुआवजा मिले, उनके परिवार को। कितना मुआवजा चाह रहे हैं? कम से कम चार बच्चे का एक एक करोड़ रुपए मिलना चाहिए। एक बच्चे युवा बच्चा अभी शादी मिले, परिवार मिले, उसका पूरे परिवार देख रहे, कितना देखना भाई, एक एक करोड़ मुआवजा हम मांग रहे हैं सरकार से, एक एक करोड़ मुआवजा मिले। नौकरी की मांग, हाँ नौकरी की मांग, घर से एक नौकरी चाहिए और एक करोड़ मुआवजा की मांग कर रहे हैं। मकान खाए, मकान नहीं, करोड़ मुआवजा मांग, मकान की जरूरत नहीं है, जो भी है परिवार की छाया खत्म हो गई। तो गार्जियन ने सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि उसके बच्चों को ऐसी शिक्षा मिले।